पहले चरण का नॉमिनेशन आज मुखिया एवं वार्ड सदस्य प्रत्याशी ने कराया नामांकन। भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी रही पुलिस, चीफ ब्यूरो रिपोर्ट। चिनिया प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पहले चरण के नामांकन को लेकर 2000 से अधिक समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचकर सैकड़ों अभ्यर्थियों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। गुरुवार को सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी व उनके समर्थक की भीड़ प्रखंड कार्यालय परिसर में उमड़ गई। इसके बाद खुलते ही वार्ड सदस्य मुखिया प्रत्याशी काउंटर पर भीड़ के सैलाब उमड़ पड़ी। लोग कतार में खड़े होकर अपना नामांकन पत्र जमा कर रहे हैं जुट गए। प्रखंड कार्यालय में प्रत्याशी और प्रत्यावासक के साथ अपना नॉमिनेशन प्रखंड कार्यालय में किया जा रहा था। प्रत्याशी ने नामांकन कराने के साथ समर्थक में काफी उत्साह देखा गया, जबकि कार्यालय के बाहर समर्थक सड़क पर डटे रहे। अभ्यर्थी नामांकन पर्चा दाखिल कर मुख्यालय से बाहर आने के बाद समर्थक फूल माला पहनाकर और गुलाल लगाकर प्रत्याशी को मनोबल बढ़ाते दिखे और जिंदाबाद के नारे, हमारा प्रतिनिधि से होगा पंचायत का विकास, तीन कई नारे में पूरा पंचायत गूंज उठा। लोगों के चेहरे पर स्पष्ट पता चल रहा था कि हम एक अच्छे प्रतिनिधि के साथ खड़े हैं जो पंचायत के साथ समाज के विकास करेगा। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यालय के मुख्य द्वार बैरिकेड कर बिना अनुमति आने जाने पर प्रतिबंध लगाया है। 7 से अधिक संख्या में प्रवेश न करे, इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस जवान मौजूद दिखे। मौके पर काफी संख्या में वार्ड सदस्य और मुखिया प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया।